लाइफ इंश्योरेंस का मकसद यही है कि अगर जिंदगी में कभी भगवान ना करे कि जो घर में कमाने वाले व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाए, तो उसके ऊपर जो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं उनको कुछ आर्थिक तंगी ना हो, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ना आए उनके ऊपर, इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज बाय की जाती हैं। ये बात मैं कई बार पहले भी बोल चुका हूं। और ऐसे ही एक बार एक फैमिली को मैं ये एक्सप्लेन कर रहा था कि लाइफ इंश्योरेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। और लाइफ इंश्योरेंस में अगर हम सच में इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी या टर्म इंश्योरेंस प्लान ही एक ऐसा प्लान है जो इस मकसद को पूरा कर सकता है। क्योंकि अगर हम बात करें लार्ज कवर की तो वो पॉसिबल है थ्रू टर्म इंश्योरेंस। तो मैं ऐसे ही फैमिली को एक्सप्लेन कर रहा था, हस्बैंड और वाइफ बैठे हुए थे, मैंने बोला कि टर्म इंश्योरेंस प्लान यानी कि आप प्योर इंश्योरेंस प्लान है, यानी कि आप इसमें एक फिक्स प्रीमियम हर साल भर रहे हैं, और अगर उस टर्म के दौरान उस इंश्योर्ड पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस केस में नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट जो भी डेथ बेनिफिट है उस पॉलिसी में वो मिलेगा, और अगर वो पॉलिसी का टर्म खत्म हो जाता है तो उस टर्म के एंड में कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सुनते ही वो मैडम बोली कि मतलब अगर इन्हें कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा। अब ये शायद इंटेंसली उनका कुछ पूछने का मतलब नहीं हो, लेकिन अक्सर लोगों के मन में यही बात आती है कि यदि डेथ नहीं हुई तो क्या। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और उसका पैसा वापस मिले इसके लिए दुर्घटना होनी चाहिए, पर ये क्योंकि एक कॉमन साइकोलॉजी है, अक्सर लोग ये बात सोचते हैं कि मेरा जो पैसा भरा हुआ है एटलीस्ट मुझे वो वापस मिल जाए। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। सो इंश्योरेंस का जो मकसद है उसको एक्चुअली टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ही पूरा कर सकती है। वो इसके लिए क्योंकि अगर हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो एक अच्छा खासा डेथ बेनिफिट पॉलिसी में होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि मैंने 4-5 लाख की पॉलिसी ले ली और कुछ हो गया तो 4-5 लाख से कुछ फाइनेंशियल हेल्प नहीं होती। मतलब अगर जिंदगी चलाने की बात हो, जो डिपेंडेंट फैमिली है उनको अगर ये तय किया जाए कि अगर डेथ भी हो जाए तो उनको कोई फाइनेंशियल दिक्कत नहीं होगी तो 4-5 लाख में नहीं होगा, उसके लिए 50 लाख, 1 करोड़ या उससे बड़ा लाइफ कवर होना चाहिए। अब ऐसे में टर्म इंश्योरेंस प्लान, क्योंकि टर्म इंश्योरेंस मतलब प्योर इंश्योरेंस कि टर्म के बीच में अगर कुछ हुआ तो जो डेथ बेनिफिट है वो बेनिफिशियरी को नॉमिनी को मिल जाएगा, अगर कुछ नहीं होता है तो कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। अब ये सुन के आदमी को ये लगता है कि अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो मतलब मेरा प्रीमियम गया। इस बात को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस कंपनी ने एक ऑप्शन रखा है कि अगर आपको चाहिए तो आपको जो पॉलिसी मिलेगी, टर्म इंश्योरेंस प्लान मिलेगा, उसमें आपका प्रीमियम पूरा टर्म खत्म होने के बाद आपको वापस मिल जाएगा। हालांकि ये मैं एंडोमेंट टाइप ऑफ प्लान की बात नहीं कर रहा हूं, इसके एंडोमेंट पॉलिसीज में तो आपका एक इन्वेस्टमेंट पोर्शन भी होता है, मैं बात टर्म इंश्योरेंस की कर रहा हूं। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में आपको अगर विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम है तो आपका जो प्रीमियम है भरा हुआ है वो करीब करीब आपको वापस मिल जाता है। लेकिन क्या यह ऑप्शन आपके लिए बेहतर है जो प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान है विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम उसके मुकाबले में? तो मैं आपको एक्सेल में इसको समझाने की कोशिश करता हूं। तो मैंने यहां पर उदाहरण के लिए मैक्स लाइफ ऑनलाइन टर्म प्लान प्लस लिया है। हालांकि सभी इंश्योरेंस कंपनी जिनके पास टर्म प्लान है उनके पास विद रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला ऑप्शन भी अवेलेबल होगा मोस्टली, बट ये मुझे इजीली मिल गया वेबसाइट पर, तो मैंने इसको उदाहरण के लिए ले लिया है। तो यहां पर मैंने कंसिडर किया है कि एज है 35 ईयर्स जो पर्सन पॉलिसी ले रहा है और पॉलिसी का टर्म भी 35 ईयर रखा है। अब ये मैक्स लाइफ ऑनलाइन टर्म प्लान प्लस का जो प्रीमियम आ रहा है, जो टर्म पॉलिसी है विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम जिसमें कोई मैच्योरिटी पर प्रीमियम वापस नहीं मिलेगा, उसका प्रीमियम आ रहा है 15,246, आप देख सकते हो। और ये जो प्रीमियम विद प्रीमियम बैक ऑप्शन है उसका
प्रीमियम आ रहा है 24,621, यानी कि डिफरेंस है 9,375, ये जीएसटी को इंक्लूड करके है। इसका मतलब अगर आप देखेंगे जो दूसरा वाला ऑप्शन है जिसमें प्रीमियम वापस मिलेगा, उसमें टोटल प्रीमियम पे किया जा रहा है 35 साल में 8,61,735 रुपीज, 8,61,735 रुपए। और कंपनी की वेबसाइट पे ऐसा मेंशन किया हुआ है इस इलस्ट्रेशन में, इस एग्जांपल में, कि इसमें 8,24,000 रुपया पॉलिसी होल्डर को वापस मिलेगा अगर उस टर्म के दौरान इंश्योर्ड पर्सन की डेथ नहीं होती है। अब आप देखेंगे कि जितना भर रहे हैं थोड़ा कम मिल रहा है, क्योंकि जो जीएसटी है वो वापस नहीं मिलेगा। इसके लिए विद जीएसटी जो प्रीमियम पे किया जा रहा है वो ज्यादा है, पर जब वापस मिलेगा तो ओनली प्रीमियम पार्ट जो है वापस मिलेगा, विच इज 8,24,000। अब दोस्तों, एक तरफ आपके पास चॉइस थी कि आप 15,246 का प्रीमियम भरते और उसमें कुछ वापस नहीं मिलेगा, दूसरी चॉइस ये है कि आप यहां पर प्रीमियम ज्यादा भर रहे हैं और आपको आपका प्रीमियम वापस भी मिल रहा है, कुछ पैसा लमसम में वापस मिल रहा है। अब देखिए, ये मैंने यहां पे एक्सेल में कैलकुलेशन की हुई है, ये जो प्रीमियम आप भर रहे हैं 24,621 कंपेयर टू 15,246, मतलब जो विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम है 15,246 और प्रीमियम बैक ऑप्शन में 24,621, यानी कि 9,375 रुपीज एक्स्ट्रा है। तो एक काम करते हैं, अब ये देखते हैं, अगर आप ये 9,375 यहां पे नहीं भरते, आप मतलब विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाली पॉलिसी ले लेते नॉर्मल टर्म प्लान, और ये 9,375 रुपये जो एक्स्ट्रा भर रहे हैं इसको कहीं और इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कहीं कहां करते हैं, चॉइस तो बहुत सारी हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म है तो मैं तो यही बोलूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लें अगर इसको किसी अच्छे डाइवर्सिफाइड इक्विटी प्लान में, और 12% का एवरेज रिटर्न CAGR लेके चलें तो ये पैसा काफी ज्यादा बन जाएगा। मैं वो भी कैलकुलेशन कर दूंगा आपके लिए, पर उससे पहले मैं इसको कंसिडर करता हूं कि हमने इसको PPF में इन्वेस्ट कर दिया, सेफ इन्वेस्टमेंट, टैक्स फ्री। PPF का रेट ऑफ इंटरेस्ट आज की डेट में जो है वो है 7.10%, तो मैं इसे 7.10% पे कैलकुलेट करता हूं। 15 साल का अकाउंट होता है, उसको 5-5 साल से बढ़ा सकते हैं, तो हम 35 ईयर्स का लेके चलते हैं कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और आपको कितना मिल पाएगा। सो 7.10% के हिसाब से अगर मैं देखता हूं तो मैं यहां निकालता हूं एक फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू में आप देखिए, रेट मैंने 7.10% कंसिडर कर लिया 35 ईयर्स के लिए, और पेमेंट कितना कर रहा हूं मैं हर साल का 9,375 राइट फ्रॉम नाउ, तो मुझे मिलेगा 14,18,616 रुपीज। तो आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ मैं 9,375 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके विद प्रीमियम बैक ऑप्शन ले रहा हूं और मुझे 8,24,000 रुपए मिल रहे हैं, और दूसरी तरफ मैं नॉर्मल टर्म प्लान ले लेता हूं सेम कंपनी का सेम प्लान, और उसमें मुझे कोई प्रीमियम मेरा वापस नहीं मिलता, लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा प्रीमियम भर रहा हूं उसको मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं PPF में, और मान के चलता हूं कि 7.10% का इंटरेस्ट मुझे साल दर साल मिलता रहेगा, तो मेरे पास बन जाते हैं 14,18,616 रुपए। दोस्तों आप मुझे बताइए कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए, इसमें आपको क्या करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहेगा। अब क्योंकि ये 35 साल का लंबा टाइम है और लॉन्ग टर्म में आपने देखा है कि इक्विटी में अच्छे रिटर्न मिलने की उम्मीद होती है, और 12% का एक CAGR एक्सपेक्ट करना मेरे हिसाब से जस्टिफाइड है। तो अगर मैं इसको सिंपल एक कैलकुलेशन करता हूं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने 7.10% लिया था, इसको मैं चेंज कर देता हूं, इसको हम ले लेते हैं 12%, तो ये बन जाता है 45,32,466। दोस्तों अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम्स का अगर पास्ट हिस्टोरिकल रिटर्न देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 12% नहीं, उससे भी ज्यादा का भी है। बट अगर
जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग कैलकुलेशन, अगर आप मुझे बोले कि ये 12 नहीं चलो 10 मान के चल लेते हैं, मैं 10 भी कर देता हूं, तो भी ये पैसा बनता है 27,94,000। तो दोस्तों क्या होता है, साइकोलॉजिकली कई बार ऐसा लगता है कि मेरा पैसा वेस्ट गया, मतलब कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा, बट कुछ भी फ्री नहीं मिलता है। अगर आपको एक ये ऑप्शन मिल रहा है कि आपका प्रीमियम वापस मिलेगा, तो उसके लिए प्रीमियम लिया भी आपसे ज्यादा जा रहा है, और जो ज्यादा प्रीमियम लिया जा रहा है, अगर आप इसको फाइनेंशियल सेंस में समझें और इसको आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका फायदा कई गुना हो रहा है। तो मेरी सलाह तो यही है कि विदाउट रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान जो है वो बेहतर है ऐसे प्लान के मुकाबले में जिसमें आपका प्रीमियम वापस मिलता है। कैसी लगी आपको ये मेरी राय, आप कमेंट बॉक्स में इसको बताना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। और दोस्तों अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी तुरंत जानकारी मिल जाए। इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, जय हिंद। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.